नमस्कार जनता, मैं स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे, हमारे मुल्क में जैसे जैसे सरकार बदलती है तो कई मुद्दों को लेकर के अपनी आइडियोलॉजी की चर्चा की जाती है। राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राजस्थान में सरकार का गठन हुआ, विभाग बटे, शिक्षा मंत्री ने कहा कि एजुकेशन का भगवाकरण किया गया और इन्होंने जो कुछ किए हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे। बीजेपी के नेता और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी का है कि महाराणा प्रताप को महान नहीं बताना एक देशद्रोह है। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में एजुकेशन में नए प्रयोग उनकी कहीं आवश्यकता है? समय के साथ बदलाव जरूरी है। कौन भगवाकरण कर रहा है, कौन कांग्रेसीकरण कर रहा है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में अब शिक्षा का जो प्लेटफॉर्म में है वो एक जंग का प्लेटफॉर्म बन रहा है, भगवा बनाम कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, तो इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल साहब हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं आपको एक बार आज के एजेंडे का मजमून दिखाऊंगा और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। राजस्थान में एक बार फिर से पाठ्यक्रम पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस की नई सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ है। डोटासरा ने पद संभालने के साथ ही कहा कि नई सरकार शिक्षा के राजनीतिकरण के पक्ष में नहीं है और पूर्व सरकार द्वारा पाठ्यक्रम में दुर्भावना से किए गए फैसलों की समीक्षा करेगी। इन्होंने जिस प्रकार से छेड़खानी की है और वो काम तो किया नहीं एक्ट के मुताबिक, और बाकी छेड़खानियां कलर चेंज करते रहे, तो इन सब चीजों की समीक्षा करने के उपरांत जो जनता हमसे चाहती है, जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसका हमें आभास है, वो चीज हम प्राथमिकता में रहेगी। शिक्षा राज्य मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार पर पलटवार किया है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता वासुदेव देवनानी ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा का कांग्रेसीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री शिक्षा का बंटाधार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस थी तो राजस्थान शिक्षा में 26वें स्थान पर था, हम उसे दूसरे स्थान पर ले आए। यह सरकार राष्ट्रीय व राज्य की अस्मिता को पाक में रखकर शिक्षा का कांग्रेसीकरण और तुष्टीकरण में जुट गई है और साथ में महाराणा प्रताप को हार न स्वीकार करना, मैं समझता एक आम नागरिक के रूप में मेरी सोच में ये देश के बलिदानियों का अपमान करना है और एक आम भारतीय की दृष्टि में ये देशद्रोह है। राजस्थान में ये पहला मौका नहीं है जब पाठ्यक्रम को लेकर सियासत हुई हो। इससे पहले जब बीजेपी सरकार ने इसमें बदलाव किया था तब भी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए थे कि बीजेपी आरएसएस के हिसाब से पाठ्यक्रम बदल रही है। अब जब कांग्रेस वापस सत्ता में है तो इस मामले ने फिर से तूल पकड़ लिया है और पूरे मामले को हर बार की तरह बीजेपी देशभक्ति के साथ जोड़कर भी पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चलिए, कभी सूर्य नमस्कार को लेकर के पूर्ववर्ती सरकार में विवाद हुआ, कभी यूनिफॉर्म को लेकर, कभी साइकिल के रंग को लेकर के, और एक बार नई सरकार बनते ही फिर से आशा शुरू हो चुकी है। मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी ने कहा है कि महाराणा प्रताप पर सवाल खड़ा करना एक देशद्रोह का काम कर रही है सरकार, तो आप क्या वास्तव में कहीं महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम से बाहर कर रहे हैं, अकबर को ला रहे हैं, क्या क्या जा रहा है? क्या जो ऑब्जेक्शन है पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री का, बड़ा चौंकाने वाला ऑब्जेक्शन है, तो ये एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है? उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेसीकरण किया जा रहा है। योगेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर 5 साल बाद में जनता की अदालत में जाना होता है, जनता जनादेश देती है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को इस राजस्थान की जनता ने जनादेश दिया और विपक्ष की भूमिका में बैठाया, लेकिन जिस प्रकार पूर्व शिक्षा मंत्री ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे लगता है कि वो जनादेश का सम्मान नहीं, वो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए कितने आतुर हैं। जिस चर्चा का, जिन बातों का कहीं कोई उल्लेख नहीं, उनके आधार पे वो किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को मीडिया के अंदर स्थापित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये उनकी एक ओछी मानसिकता का प्रतीक है। वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है गोविंद जी डोटासरा, उन्होंने कहा कि किस प्रकार एक्ट को कमजोर किया। क्या है एक्ट?
आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शासन में आते ही सबसे पहले क्या काम किया, एक गरीब का, मजदूर का, किसान का, छोटे व्यापारी का जो फीस नहीं दे सकता, जो निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता, जो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला सकता, ये यूपीए की सरकार ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया, एक मौलिक अधिकार बनाया और अभिभावकों का एक कर्तव्य बनाया, उसके ऊपर सबसे पहले कुठाराघात किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए थी उसको घटा के 1 लाख रुपए सालाना पे लेके आई ताकि गरीब का बच्चा उस शिक्षा से वंचित रह सके। यह सबसे पहले काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा अगर शिक्षित होगा तो आपके वो बहकावे में नहीं आएगा, जवाब करेगा। आज लगता है शिक्षा मंत्री जी किस प्रकार से शिक्षा का राजनीतिकरण करने पर आतुर हैं। जब अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पाठ्यक्रम का भगवाकरण तो किया, लेकिन आज लग रहा है कि वो पुनः राजनीतिकरण पे उतारू हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए था। कांग्रेस ने बार बार मुद्दा उठाया था किस प्रकार आपने स्कूलें बंद की। बालिकाओं की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महाराणा प्रताप का बालिकाओं सबसे कर महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि उन्हें इस राज्य के गरीब की आवाम की शिक्षा से ताल्लुक नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता की लोलुपता से भूख है, ताकि वो भगवाकरण की जो राजनीति करना चाह रहे हैं उसका जहर इस प्रदेश की जनता के बीच में पुनः घोल सके। लेकिन इस प्रदेश की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। उसको शिक्षा चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको रोटी चाहिए, और उन मुद्दों पे बात करना चाहती है। और उन्हीं मुद्दों पे बात किया और उन्हीं मुद्दों पे बात करके कांग्रेस की सरकार को राज्य के अंदर सरकार बनाने को। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास में वापस। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा। इस बयान के बाद हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा राज्य मंत्री है उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल एक मिथ्या आरोप है और मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि कहीं भी किसी भी स्तर पे हमने महाराणा प्रताप या अकबर का जिक्र किया हो, देवनानी जी का क्या हमारे समझ में नहीं बैठ रहा है किस आधार पे वो प्रेस को बुला करके चर्चा कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम से बाहर करने की कोशिश की जा रही है, अकबर को बुलाने की कोशिश की जा रही है। हमने सिर्फ ये कहा है कि 5 साल में एजेंडे के तहत पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी को अगर प्रमोट करने की कोशिश की है तो क्यों हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, ये जबरदस्ती की बातें बना रहे हैं। ये डोटासरा ने क्लियर किया, मैं अधिकृत रूप से ये कह सकता हूं कि जो उनका बयान अभी उन्होंने टेलीफोन पे जन टीवी को बताया है मैं वो बता रहा हूं। और देवनानी साहब कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को बाहर किया जा रहा है। जी देखिए, महाराणा प्रताप निश्चित रूप से हमारे एजेंडे में है, तो है, हम इस बात गर्व है कि महाराणा प्रताप भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे। महाराणा प्रताप इस देश के महान सपूत है, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, हम इस बात का गर्व। महाराणा प्रताप सच्चे राष्ट्रभक्त थे, इस बात को कहने में कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई गुरेज नहीं है। महाराणा प्रताप महान थे, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन डोडासरा जी ने इस बात को अस्वीकार किया, इस बात को आश्चर्य होता है। यदि प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने वक्त में कहा है कि डोडासरा का ये निजी बयान हो सकता है, भारतीय मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं महाराणा प्रताप महान थे, तो फिर मुझे लगता कि इस पर मुझे कोई प्रश्न खड़ा करने की आवश्यकता है। जिस प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों के वक्तव्य अपने आप में कंट्रोवर्सियल हो, जिसमें एक डोडासरा कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर मैंने, प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि उनका निजी बयान था, तो पहली बात तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि बयान था या नहीं था, ये बात कांग्रेस तय करे। मैंने प्रताप जी का बयान भी पढ़ा है, प्रताप जी का कि मेरे लिए तो महाराणा प्रताप महान थे, डोडासरा जी के अपने निजी बयान हो सकते हैं। तो ये वक्तव्य जो कांग्रेस का एक मंत्री दे रहा था, तो निश्चित मान के डोडासरा जी ने कुछ ना कुछ तो कहा है जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास को ये शब्द बोलने पड़े। अब निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि डोडासरा जी जो कहा था, उन्होंने कहा था कि महाराणा प्रताप महान थे या अकबर महान थे, मैं नहीं कह सकता, उन्होंने ये कहा क्योंकि व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मंत्री का कोई निजी बयान नहीं होता। मंत्री का बयान सीधे तौर पर सरकार का बयान होता है। जहां तक भगवाकरण की बात है, महाराणा प्रताप को इस देश की और प्रदेश की जनता महान बताती है। अकबर हमारे दृष्टि में कैसे महान नहीं थे, आज हम इस बात को आज भी कहते, पहले भी कहते रहे। अकबर एक आक्रांता थे, एक विदेशी हुकूमत करने वाला था, इस देश को गुलाम बनाने वाले लोग थे, इसलिए अकबर हमारे दृष्टि में कैसे महान नहीं थे। जिसने स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया हो, जिसने जंगल में रहकर घास की रोटी खाई हो, जिसने जंगल में रहकर स्वाधीनता के साथ प्रतंत्रता स्वीकारने की हो, व्यक्ति वाले महानता यदि वे हमारे एजेंडे तो निश्चित रूप हमारे एजेंडे में। यदि जिस प्रकार शिक्षा की बात हमारे फाजिल दोस्त ने लगातार की, शिक्षा को यदि 26वें पायदान से दूसरे पायदान पर लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यदि आज हम जो स्कूलों के अंदर बात करते हैं, 4,500 आपके समय स्कूल उच्च माध्यमिक थे, ये 13,000 से अधिक उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यदि शिक्षकों का पदोन्नत करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। शिक्षकों को भर्ती करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और गांव गांव ढाणी ढाणी आंगनबाड़ी के माध्यम से माध्यम शिक्षा का मैं आ रहा हूं लौटूंगा आपके पास, धर्मवीर जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जब भी सरकार बदलती है तो शिक्षा को एक प्रयोगशाला के रूप में काम लेती है,
पूर्ववर्ती सरकार ने भी ये कहा कि काफी चीजों के जब बदलाव किया गया तो ये कहा गया था कि ये नए प्रयोग नहीं करने चाहिए, इतिहास के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उस समय भी काफी विवाद हुआ था, एक बार फिर सरकार बनी, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, फिर एक नया चर्चा शुरू हो चुकी है। मेरा यह मानना है कि हर देश को अपने अतीत का बखूबी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यदि हमारा अतीत अच्छा है, यदि हमारा अतीत बेकार है, बुरा है, तो उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। अतीत का भान, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य पर निगाहें जिस देश की होती है, जिस समाज की होती है, जिस मनुष्य की होती है, वो निश्चित रूप से प्रगति करता है। लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि सरकार बनती है, हम एक दूसरे विचार की ओर लौट जाते हैं कि भगवाकरण कर दीजिए या कांग्रेसीकरण कर दीजिए। आम आवाम को यह चाहिए कि जहां उसका बच्चा पढ़ने जा रहा है वहां सुविधाएं कितनी है। बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार है, वहां ये बात को नहीं ध्यान रखते कि बच्चों का ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है। आज जैसे मैं पत्रकार हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी सरकारी नौकरी लगे, मेरे अनुज की सरकारी नौकरी लगे, वो मास्टर बने, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई के बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना आज पाप के समान माना जाने लगा है। यदि समाज में कोई कहता है कि मेरे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो दूसरे लोग कहेंगे क्या इतने पैसे भी नहीं कमाते जो बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में ढंग की शिक्षा प्राप्त कर सके। बिल्कुल, तो होना यह चाहिए कि हम शिक्षा का मापदंड इस तरह मजबूत कर दें ताकि हर बच्चा वहां पढ़ सके। लेकिन हम तो ऐसी बहस में उलझ जाते हैं जिसका कोई प्रभाव नहीं है। हमारी थोथी बातें कि हमने ये किया, हमने वो किया, धरातल पर हम देखते हैं तो स्कूल में 10 टीचर हैं, छात्र 5 हैं। वो 10 टीचर इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हम यहीं रहें, कहीं ट्रांसफर नहीं हो जाए। तो हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें सरकारी नौकरी चाहिए लेकिन हम हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने भेजने को ही हमारा मकसद होता है। तो जरूरत इस बात की है कि स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की क्वालिटी का एजुकेशन, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए बजाय कि अपने अपने नए प्रयोग करने के। बिल्कुल, आप प्रयोग कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन एक हिंदुस्तान में परंपरा सी बन गई है कि जो पार्टी सत्ता में आती है वो नए प्रयोग करने के नाम पर, समीक्षा के नाम पर जो पुरानी सरकार ने किया है उसको बदलना चाहती है। हालांकि गलती नई सरकार की नहीं है, जो पुरानी सरकार थी उसने भी कुछ ऐसा ही किया। तो यदि हम इसी प्रकार पुरानी सरकारों के काम को समीक्षा के नाम पर उनका दोहन करते रहेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के लिए कहा गया है कि शिक्षा से ही देश तरक्की करता है। एक बड़े विद्वान ने कहा है कि शिक्षा प्राप्त करना शेरनी के दूध का सेवन करने के समान है। लेकिन हम ऐसी फोर्स तैयार कर रहे हैं जिनका उद्देश्य नहीं है, जो समाज में जाकर क्या करेंगे उनको मालूम नहीं है। एक डिग्री देकर हम उन उस फौज को सरकार के समक्ष संघर्ष करने के लिए तैयार कर रहे हैं। होना यह चाहिए था कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ते, होना यह चाहिए था कि शिक्षा को बेहतर करके वो कुछ जीविकोपार्जन कर सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करते। लेकिन सरकार तो ऐसी बहस में उलझती है जिसका कोई सरोकार नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक पार्टी चाहती है कि हम यदि हम भगवाकरण करेंगे तो उसका फायदा जो हमारे जिस विचार से हम प्रेरित हैं उस विचार को अच्छा लगेगा और वो हमारी पीठ थपथपाएंगे, उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम उस विचार को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि दूसरी पार्टी पीठ थपथपाएं, बिल्कुल, जबकि जो दूसरी पार्टी जो सरकार में सत्तारूढ़ है उसका प्रयास ये होता है कि जो हमारे आला कमान उनको खुश करने का प्रयास किया जाए। तो दोनों पार्टियों को सोचना होगा, शिक्षाविदों को भी सोचना होगा। ये गलत है और ये परंपरा होगी तो मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर पर कुठाराघात होगा। मैं एक बार फिर आना चाहूंगा आपके पास आरसी चौधरी जी। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है कि एक एजेंडे के तहत एक ये कहें कि बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत एक साजिश रच के सीधा बोला है पूर्व शिक्षा मंत्री ने कि महाराणा प्रताप को पाठ्यक्रम से बाहर करने की एक साजिश रची जा रही है किसी को खुश करने के लिए। तो ये एक आरोप है और अभी आपने सुना भी, आप ही के दो मंत्री कह रहे हैं कि ये बीजेपी का आरोप है, हमारा आरोप नहीं है। कि एक मंत्री तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप मेरे लिए महान है और डोटासरा के उनके निजी विचार हो सकते हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि जब अगर एक मंत्री ने यह बात कही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस मंत्री ने उल्लेख किया है, यह बीजेपी का आरोप है। योगेंद्र जी, जो जन टीवी है वो जनता की आवाज है और जनता के चैनल पे बैठ के हम मुद्दों से अगर दूर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश का और प्रदेश का भला नहीं हो पाएगा।
शिक्षा मंत्री एक गांव ठेठ सरकारी स्कूल से पढ़ के एक किसान का बेटा अपनी शिक्षा की बदौलत, अपनी ज्ञान की बदौलत विधानसभा में सदन का सितारा बनता है और सदन का सबसे चहेता व्यक्ति के रूप में जनता की आवाज को मुखर करता है। आज वो व्यक्ति जब शिक्षा की कुर्सी पे बैठता है तो उसे याद आती है अंतिम व्यक्ति की, राज्य के उस गरीब की आती, उस सरकारी स्कूल की याद आती है जहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वो आते ही सबसे पहले जो स्कूल ने बंद की उनकी समीक्षा करना चाहते हैं। 3717 स्कूलों की सूची जारी करके शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि इनका समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा अपनी मर्जी से नहीं, समीक्षा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो बच्चों का प्राथमिक अधिकार है उनका अधिकार है कि उन्हें 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, 2 किलोमीटर के अंदर उस प्राथमिक शिक्षा विद्यालय होना चाहिए। अगर उसकी कानून की अनुपालना कराने का काम अगर किसान का बेटा करता तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार राजनीतिकरण करने का प्रयास करती है और किस प्रकार विरोधाभास पैदा करने की बात करता है। राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता महाराणा प्रताप के शौर्य से, महाराणा प्रताप की वीरगाथा से, महाराणा प्रताप के स्वाभिमान से वाकिफ है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। वो हर स्वाभिमानी जो अपने सम्मान के लिए लोगों के सामने घुटने नहीं टेकता, यह प्रेरणा महाराणा प्रताप से राजस्थान का और हिंदुस्तान का और दुनिया का आम आवाम लेता है। लेकिन वो जिस कानून की बात करते हैं, जो शिक्षा के नाम पे आपने स्कूलें बंद की, एक गरीब के बच्चे को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया, अगर कुर्सी पे बैठते ही किसान का बेटा अगर वो फैसला करता है तो निश्चित रूप से जनसंघ की और आरएसएस की पाठशाला में पढ़े हुए शिक्षा मंत्री को ऐतराज होगा और वो इस शिक्षा का राजनीतिकरण करने का प्रयास करेंगे। प्रताप के बारे में जो कहा हमारे मंत्री ने कहा, आप कहें, राजस्थान का तमाम आदमी उनके गौरी उनके शौर्य से वाकिफ है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इतिहास का लेखन का काम इतिहासविदों पे छोड़ना, उसका एक तरीका है कैसे इतिहास का लेखन होता है और कैसे नहीं होता। और जो एक प्रखर पत्रकार अपने बीच में बैठे उन्होंने कहा कि भूतकाल की नींव पे, वर्तमान पे और भविष्य पे निगाह टेक के ही इस समृद्ध राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, आप भूत को मिटा के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बीजेपी के साथी ने कहा आक्रांता थे गुलाम बनाया, आखिर अंग्रेजों की जो दास्तां में पले और जिन्होंने लिख के पत्र दिया हम आपके साम्राज्य के खिलाफ कभी आवाज करने का ऐसी आवाज स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को पाठ्यक्रम से हटाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत सा समय इस देश की आजादी के लिए जेलों में गुजारा था, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का आते ही सबसे पहले पाठ्यक्रम से हटाया। ये गुलामी के दास है, ये प्रतीक है जो आजादी के सेनानियों को पाठ्यक्रम से हटाते हैं और प्रदेश के युवाओं को उससे वंचित करना चाहते हैं। ये भाजपा की सोच है। इसलिए मुद्दा यह है कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत राज्य के देश के पहले पाठ्यक्रम से हटाया गया। देखिए कभी भी चर्चा होगी जब तक ये मुल्क रहेगा कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कोई भी बताएगा। ये किसी के लिखने और मिटाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आदमी जहां स्टैंड करेगा तो करेगा, इतिहास को आप कब तक। निश्चित रूप से आप जो योगेंद्र जी जो बात कर रहे हैं कि आखिर जो नई जो जनरेशन आती है, जो नया बच्चा जाता है, जो पाठ्यक्रम में जाता है इस देश का, वहां पे हम बताते हैं कि जीके का पहला प्रधान क्या, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। ये सत्य है, इस सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, देश आजाद हुआ। लेकिन अगर उसकी जीवनी के बारे में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको क्या ऐतराज हो सकता है, क्यों मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को जो उसके पाठ्यक्रम से हटाने का जो प्रयास है वो क्यों किया जा रहा है। इतिहास लेखन का काम शिक्षा के मंत्री का नहीं, इतिहासकारों का है, और किस आधार पर होता है और क्या उनकी पाठ्यक्रम की संरचना जो होती है वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन जिस बात का जिक्र नहीं किया गया, जिस बात का जिक्र नहीं किया, आखिर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बता रहा है कि उसका मंशा क्या है, क्या सोचते हैं, कितना उन्हें आजादी से प्रेम था, कितनी आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, ये देश का युवा जानता है। चलिए मैं एक बार लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूंगा जी। देवनानी साहब इसका जिक्र कर रहे हैं लेकिन इस बात का भी जिक्र किया गया है। प्रताप सिंह खाचरदास का कहना है कि जब किसी ने पूछा कि ये चर्चा की जा रही है तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस मामले को लेकर के किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हालांकि मेरे को इस बात का कोई पता नहीं है, किसी ने कहा है तो ये उनका निजी बयान हो सकता, बाकी कांग्रेस की सोच या कांग्रेस का मंत्री कोई भी इस ओर हम कोई कदम नहीं बढ़ा रहे हैं कि महाराणा प्रताप के को लेकर के को समीक्षा कर रहे हो। देवनानी जी ने काफी
लेकिन जब उनसे पूछा भी गया इस मुद्दे को लेकर के कि कहीं कोई रिकॉर्ड है, कहीं कुछ है कि डोटासरा ने यह बात कही हो कि महाराणा प्रताप को लेकर के हम हटाएंगे या वो महान नहीं थे, ऐसा कोई जिक्र किया हो, यही बात डोटासरा कह रहे हैं कि मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि देवनानी जी ये बात जरूर कहे हैं कि कहां कहा, कब कहा, क्या रिकॉर्ड है, कुछ बता सकते हैं? देखिए अखबारों में वक्तव्य छपे हैं कि अकबर माने या महाराणा प्रताप माने, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये डोटासरा का बयान है। इसी को लेकर के माननीय प्रताप सिंह जी खाते वास्ते अपने कहा कि मेरी निगाह में तो महाराणा प्रताप मान है, अब उनके मंत्री निजी बयान सकते। ये सही तौर पर एक राज्य सरकार के दो मंत्रियों के वक्तव्य सामने आने पर बात को तो कहने के लिए कि डोडासा जी कहा तो है ही है। इस विषय को लेकर मेरे फाजी दोस्त ने बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाने का प्रयास किया था। मैं फिर से बता देता हूं, आरटीआई एक्ट के तहत शिक्षा के अधिकार पर किसी को हमने वंचित करने का प्रयास नहीं किया। हमने लगातार स्कूलों का सरलीकरण किया, सामान्यीकरण किया हो, जहां स्कूलों में छात्रों की संख्या कम थी, शिक्षकों की संख्या अधिक थी, उन सबको ठीक करने का प्रयास किया। उसी का सुखद परिणाम है कि आज भारत देश के अंदर 26वें स्थान से दूसरे पायदान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान खड़ा है, पहली बार। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोपों लगाने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने किया है, वीर सावरकर जी को उचित स्थान इतिहास में मिले इस बात का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, तो किया है, इस बात का मैं गर्व है। ये दुर्गादास के स्थान पर प्रधानमंत्री आपके उसी वक्तव्य पर आ रहा हूं, यदि यदि हमने किया तो किया है। यदि गुरु गोविंद सिंह को स्थान मिले इतिहास के अंदर, निश्चित रूप से अच्छा स्थान मिले, तो उसका प्रयास हमने किया है। दुर्गादास जी को उचित स्थान मिले इस बात का प्रयास हमने किया है। सूरजवल जी को उचित स्थान मिले इस बात का प्रयास हमने किया है। हमने एक परिवार की गाथा को बाहर निकालने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता आंदोलन का हम कहीं भी हमने कहा कि जवाहरलाल जी नेहरू का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा, हमने इस बात को इंगित करने का काम नहीं किया। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री है, इस बात को हमने उल्लेखित करने का काम लगातार किया है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल जी नेहरू का या जवाहरलाल नेहरू का क्या योगदान था, इस बात को हमने बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। लेकिन वीर सावरकर को उसका उचित स्थान मिले इस बात का प्रयास माननीय मोदी जी ने किया, इस बात का प्रयास भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। मैं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता हूं, बार बार कांग्रेस लोग हम पर प्रयास करते हैं, यही डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इस देश के पहले व्यक्ति बनते हैं और वे स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार भाग लेते हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने आंदोलन भाग लिया और जेल गए, ये बात कांग्रेस लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले व्यक्ति, यदि कांग्रेस उस समय थी तो वह स्वतंत्र आंदोलन थी, वह कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी। हर व्यक्ति कांग्रेस साथ जुड़कर के आंदोलन भाग ले रहा था। ऐसे आंदोलन में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जेल गए, यदि गुरु संघ के गुरु हमारे गुरु जी परम गुरु जी जेल गए, तो वो आंदोलन कांग्रेस की प्रेरणा, कांग्रेस समय आंदोलन का नाम था, एक राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का उस समय जन्म नहीं होता, लेकिन सावरकर को लेकर जिस पर कांग्रेस ने जिस प्रकार काम सावरकर को लेकर, यदि विवेकानंद जी को इस इतिहास में उचित स्थान देने का काम नहीं किया, उनके भगवा कपड़ों से कांग्रेस को डर लगता, तो कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है। अब एक प्रश्न खड़ा होता है कि एक बड़ा प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, चौधरी बोलने का मौका बिल्कुल उसके बाद मिलना चाहिए। यदि जवाहरलाल नेहरू जेल जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू पर आंदोलन होता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को वीर सागर में कभी काले पानी सजा नहीं मिली, उनको कोलू के बेल में नहीं रोका गया, भगत सिंह तक फांसी की सजा उन्हें नहीं हुई, इस बात को जो तक भगत सिंह भी इस देश के लिए उतने महत्वपूर्ण जितने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यदि काले पानी की सजा प्राप्त करने वाले वीर सागर चौधरी जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण थे, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को नगण्य नहीं किया जा सकता, तो वीर सागर माफी चाहूंगा हूँ की उन्होंने कहा कि जहां भी छात्र नहीं थे हो रहे थे, मैं कह रहा हूँ कानून की अवहेलना की, जहां पे आरटी के तहत जहां पे विद्यालय होना चाहिए 1 किलोमीटर में आपने बंद किया, एक चीज। दूसरा, जहां पे भगत सिंह इनको बार बार याद आता है, भगत सिंह जो बार बार याद आता है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा भगत सिंह से पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलने के लिए नहीं गए थे, ऐसे इस प्रदेश को, इस राज्य को, इस देश को गुमराह किया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो हमने नहीं, इस देश के मीडिया ने बताया, आप जैसे स्तंभ ने बताया जो चौथी स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन्होंने उन तारीखों का, उस समय का जिक्र किया जब वो मिलने के लिए गए। स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कौन कहां गया, कौन कहां नहीं गया, लेकिन लिखित में अगर किसी देश के अंदर माफीनामा अगर लिखित में अंग्रेज सरकार से किसी ने मांगा और कहा कि मैं आज के बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, तो वो सावरकर थे। ऐसे सावरकर को वीर सावरकर ने जितनी काले पानी की सजा भुगती, जिस तरह यही हो रहे भुगती देश में, और ये भुगती ही नहीं, और कोई के बैल के लिए क्या कर चलाया गया, वीर सावरकर को चलाया गया, वीर सावरकर का बलिदान है देश को, इस देश में कोई कोई वही नहीं, भाजी जनता पार्टी ने कोई नहीं, इसने कभी लड़की सर की नहीं रही, वेगन भुगती का चल रही है, तो वीर सावरकर बाली से बहुत बड़े के अंदर जनता पार्टी चल रही है, वीर सावरकर स्वतंत्रता चल रही है, तो मिलना ही मुश्किल है, कभी नेहरू पर गोली कभी लाठी से सैनिक का क्यों नहीं भागा, धर्म
धर्मवीर जी, धर्मवीर जी ऐश्वर्य का सवाल, गुलाब का फूल लगा रहे हमारे बयानों से तो सवाल नहीं होता है, छोड़ बोलने वाला हमारा धर्मवीर तो सरकार भी ऐसा है नहीं, सरकार बोलते वाला भी तो जाएंगे स्वतंत्र है नहीं, जो मेरी आइडियोलॉजी जल्दी से अप्लाई कर दो लोगों लिखित में मानेगा गुलाब का फूल लगाकर और अंग्रेजों के गुलाम जी मैं तो पढ़ने वाले लोग हो गए जी, और साइन तो फिर बड़ी बात है जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा धर्मवीर जी, सरकारों के साथ हमारे यहां तो ये हो क्या तो 5 साल के लिए पाठ्यक्रम बने, क्योंकि जिस आइडियोलॉजी से जो मैच करता हो उनकी नजर में वो महान है, जो पार्टी आती है वो अपने एजेंडे को लेकर आती है, तो विद्यार्थियों के साथ होगा क्या? जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार होगी तो अकबर महान थे, जब बीजेपी की सरकार होगी तो महाराणा प्रताप महान थे, तो जो बच्चा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा तो आंसर तो उसको सरकार के अनुसार देना होगा कि किसको सच माने। तो ऐसे में मेरा तो दोनों पार्टियों के नेताओं से निवेदन है कि शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए और उस पीढ़ी का फिर करना चाहिए, को राजनीति के पंजों से मुक्त रखना चाहिए। यह इतिहासकारों का काम है कि किस प्रकार इतिहास की रचना हुई है, हो सकता है इतिहास गलत लिखा गया हो तो उसमें आप उसमें पूरा संशोधन मत कीजिए, जहां आपको तथ्य मिलते हो केवल अपने विचार के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो ना सिर्फ उससे भावी पीढ़ी भ्रमित होगी बल्कि जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी दिग्भ्रमित हो जाएगी। तो ऐसे में हमें विचार ये करना चाहिए कि जो इतिहास की रचना की गई है और जो रचना हम बदलना चाहते हैं, यदि उसके प्रमाण है हमारे पास, उस प्रमाणों के आधार पर कुछ संशोधन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम सब ऐसी पीढ़ी में आज गुजर रहे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली हुई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की जानकारी या फेसबुक पर आती है, व्हाट्सएप पर आती है, जिनका तथ्य से कोई सरोकार नहीं होता है। तो मुझे यह कहना, आप दोनों से निवेदन करना पड़ेगा कि आपने फरमाया कि वो जेल गए थे श्री गुरु जी फ्रीडम मूवमेंट में, लेकिन ऐसा तो उल्लेख नहीं है, उल्लेखित है। डॉक्टर श्यामलाल मुखर्जी जेल गए इस बार, और वीर सावरकर कोलू के बेल की तरफ पिले गए या नहीं पिले गए बता दे, वीर सावरकर की भूमिका का उल्लंघन किया जा सकता है क्या इस देश में? जैसे जैसे सरकार बनती है वैसे वैसे ही नजरिया शिक्षा का भी बदलता जाएगा, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा। धर्मवीर जी सही कह रहे हैं कि ये भ्रमित करने वाला एजेंडा नहीं होना चाहिए, इतिहास में अगर आपके पास में वो फैक्ट्स हैं जिसे वास्तव में सर्वमान्य तरीके से स्वीकार किया जा सके वो ही लेके आने चाहिए, हो सकता है किसी से त्रुटि रह गई हो लेकिन थोपा नहीं जाना चाहिए, उससे होगा यही, हम तो बेशक राजनीति करते रहेंगे लेकिन उस पीढ़ी का क्या होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जा रही है, जो प्रदेश के अपने पाठ्यक्रम को लेकर के कहीं दूसरे प्रदेश में जा रही है, वहां कुछ आंसर और होगा, हमारे यहाँ पे कुछ और होगा। तो ये कम से कम खिलवाड़ नहीं करना चाहिए एजुकेशन के साथ में, जो है आपके पास में अगर फैक्ट्स नहीं है तो उसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए, हम तो बस यही चाहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, खास खबर में से आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।